नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं चौरक पूजा देखने और जाते जाते आपको बताएंगे कि ये पूजा क्या होता है। चलिए, अभी हम जा रहे हैं रामकृष्ण नगर चौरक पूजा देखने के लिए। रामकृष्ण नगर प्लेग्राउंड में हर साल इस पूजा का आयोजन किया जाता है। पूजा के दिन शाम को प्लेग्राउंड में सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। चौरक पूजा आयोजन का स्थल मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे है और अभी मैं पहुंचने ही वाला हूँ। मैं पूजा स्थल पे पहुंच चुका हूँ और मेरे आने से पहले ही रिचुअल्स स्टार्ट हो चुके हैं। चारों ओर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और सभी इस पूजा को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है। अभी रिचुअल्स में शिव पार्वती का नृत्य दिखाया जा रहा है और उसके बाद काली माता का रौद्र रूप दिखाया जाएगा। अभी काली माता का रौद्र रूप दिखाने की तैयारी की जा रही है। इसके बीच मैं आपको बताता हूँ कि चौरक पूजा बेसिकली भगवान शिव जी का पूजा है। ये पूजा हर साल चैत्र मास के आखिरी दिन में यानी चैत्र संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चौरक पूजा में पिछले साल के पापों के लिए शिव जी से क्षमा मांगी जाती है और अगले साल की एक नई शुरुआत हो इसकी प्रार्थना की जाती है। इस पूजा में जो भी श्रद्धालु भाग लेते हैं उनको पिछले एक महीने से बहुत सारे कड़े रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बाद ही इस पूजा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी काली माता का रौद्र रूप में असुरों के साथ युद्ध का एक डेमोंस्ट्रेशन दिया जा रहा है। पूजा स्थल के बीच में यह जो पोल खड़ा दिख रहा है, ये पोल बहुत ही चमत्कारी होता है। ये पोल पानी में अपने आप प्रकट होता है। उससे पहले इसे आह्वान किया जाता है और पूजा के बाद उसी स्थान पर जाके इसे विसर्जन कर दिया जाता है। अब शुरू हो रहा है पूजा का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे फ्लैश के बीच में से सरिया डाला जाता है और शरीर से खून का एक भी बूंद नहीं निकलता। यही चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। आप सामने इस भक्त को देख सकते हैं, उनके दोनों हाथों में दो दो सरिया डाला गया है और इसके ऊपर केला रखा गया है और ये आराम से नाच रहा है। इनके जीभ के बीच में से सरिया डाला गया है और ये भगवान के लिए प्रणामी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी शुरू होने जा रहा है चौरक पूजा का सबसे खतरनाक और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे दोनों भक्तों के पीठ में हुक डाल दिया गया है और उसी हुक की मदद से ये लोगों को रस्सी में लटका दिया जाएगा। देखने में ये बहुत ही डेंजरस लगता है, पर इनके पीठ से एक भी बूंद खून नहीं निकलता। कहा जाता है कि ये भगवान शिव जी का ही आशीर्वाद है। पूजा ख़त्म हो चुका है और अब हम घर वापस जा रहे हैं।
इस ब्लॉग को भगवान का आशीर्वाद लेके यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको नए नए प्लेसेस का वीडियोस मिलता रहे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।